गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 23 तारीख दिन शुक्रवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ रेट खुला है मार्केट में और किस किस राज्य से इस समय जो है ज्यादा प्रेशर से प्याज आ रहा है जी। और सर के पास जो क्वालिटी है इस तरह का देखने को मिला जी। बाकी देख सकते हैं कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पे, और ग्राहकी देख सकते हैं गाड़ियों पे जो है कुछ इस तरह का ग्राहकी नजर आ रहा है। देखो जी हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर, नमस्ते। सर जी आज का क्या कुछ माहौल है बाजार का, कितनी गाड़ी पहुंची, कितना ताजा माल है, कितना बैलेंस है सर? देखिए सर जी, ताजी आज की रेवस की बात करें तो ताजी आज मंडी में 6-7 गाड़ी है, बाकी 2-3 गाड़ी का बैलेंस है। अच्छा जी, टोटल मिला के नीचे ऊपर की बात किया है तो 10 से 11-12 गाड़ियां बैठ रही है। अच्छा हाँ जी। तो सर जी अभी क्या कंट्रोल में माल आ रहा है या फिर क्या कारण है सर जी? सर जी कंट्रोल में क्या है, माल लिमिटेड में आ रहा है। जैसे अभी पिछले हफ्ते हमने सुना, सोमवार को सुना था कि एक्सपोर्ट खोल दिया, वो अफवाह चली थी, तो इन्होंने 5-6 रुपए की तेजी बनी जी। फिर सुनने में आया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, खाली वो अफवाह थी, नोटिशन मिला नहीं था। तो उसके बाद में सीधा 5-5, 6-6 रुपए किलो का मार्केट नीचे आया, व्यापारियों को 1.5 से 2-2 लाख रुपए नुकसान हुआ। अच्छा, तो इस वजह से थोड़ी सी फिर आमदनी वगैरह भी थोड़ी रुकी थी। अब जैसे कल से फिर हम ग्रुप में देख रहे हैं जी कि अब भाई चल रही है कि एक्सपोर्ट खोल दिया है बांग्लादेश, भूटान और मॉरिशस। अच्छा, उसके लिए कुछ माल जाने की बातचीत चल रही है, पर अभी जब तक हम कंफर्म नहीं होते, जब तक नोटिशन नहीं मिलता है सरकार की तरफ से बिल्कुल एकदम। मतलब सर जी ये जो एक्सपोर्ट खोला जाता है तो क्या लिखित में होता है या वर्बली होता है सर? सर इसका पूरा पक्का काम होता है सर, जैसे कि बिल्कुल एकदम की करार होता है सारी चीजों का, एक नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, इसको नोटिस बोलते हैं। अच्छा, कि भाई जब तक वो पक्का नहीं होता उसे क्यों मानते नहीं। सोमवार को गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक्सपोर्ट खोल रहे हैं जी, इतनी ही बातों को बोलते खाली, मतलब पूरी न्यूज चैनल में और ग्रुपों में डाल दिया गया है कि एक्सपोर्ट खुल गया तो सीधा 5-6 रुपए की तेजी। अच्छा, जब तक मतलब नोटिफिकेशन नहीं मिलता ना यार, तो जब तक हम पक्का नहीं समझते बिल्कुल एकदम। अच्छा, और अब तो सभी अपने आपके चैनल के मदद से कहते हैं ग्रुप में जो चल रहा है जी, भाई ऐसी अब भाई न उड़ाए, जब तक पहले हमको जीआर नहीं मिलता है उससे पहले हमें कुछ भी बोलना करना बेकार है। अच्छा जी, हाँ जी। सुनने में आया था सर जी ये नेफेड और एनसीसीएफ के थ्रू ही जाएगा, मतलब गवर्नमेंट संस्था के थ्रू ही जाएगा माल सर? कुछ वो ये जो आपने कहा ये भी बातें चल रही सर, मतलब कुल मिलाकर ना पक्का नहीं हो पा रहा था, सिर्फ अफवाह चल रही थी कि गवर्नमेंट करेगा कि कुछ लोगों को माल दिया गया है, ये भी अभी बात चल रही, मेरी पार्टी से बात हुई है तो वो भी अभी मतलब पक्का कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, ये क्या है क्या नहीं है इसका रियल सर, अभी 10 से 11 बजे तक पता तो चलेगा। अच्छा, कि गवर्नमेंट ने जो अब कल सब भाई चल रही है पक्की है या वही पिछले हफ्ते की तरह फर्जी है। अच्छा जी, हाँ जी। और ये भी जो मतलब अगर खोलेगा तो लिमिटेड कंट्री के लिए खोलेगा सर? लिमिटेड ही माल जाएगा बिल्कुल एकदम, अगर जो कर रहे हैं मॉरिशस, बांग्लादेश और अपना भूटान के लिए, तो वो लिमिटेड ही माल रखा जाएगा बिल्कुल एकदम। अच्छा, हाँ जी। तो सर जी आज जो है बाजार में कैसा करंट है जी? सर बाजार में करंट की तो बात किया, थोड़ी सी मतलब कि चहल पहल है और जो कल से वह चल रही है, बाकी ये जो माल कल स्लो थे आज वो रनिंग थोड़ी फास्ट हो गई है। अच्छा, बाकी हम बाजार के तो 1,000 रुपए का थोड़ा सा मामूली सुधार है जी। और अगर एक्सपोर्ट खुलता भी है तो मैं ये बता दूं कि कोई ज्यादा तेजी का आसार नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, ये सोचे कि जैसे 5-5, 6-6 रुपए की होती है, ऐसा नहीं, 1,000 रुपए का सुधार हो सकता है बस। अच्छा, हाँ जी। क्यों, कारण क्या है जी सर जी? सर कारण यही है कि माल देखिए क्या है कि माल तो खैर आ रही ही है, जितनी हमें जरूरत है उस हिसाब से माल तो आ रही है जी, है ना। है हाँ, थोड़ी क्वालिटी में थोड़ा सा मतलब कि क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं आ रही है। अच्छा, तो बाकी माल आ रहे हैं तो तेजी का ज्यादा रुख तो हमें भी नहीं दिखाई दे रहा कि तेजी बनेगी ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, हाँ जी। तो सर जी अभी जो है मतलब स्टार्टिंग से जब मतलब बैंड हुआ था, मतलब बंद हुआ था ये एक्सपोर्ट, उस टाइम 30+ शायद बाजार था, है ना जी? और यदि अगर दोबारा से ओपन होगा तो क्या 30 तक जो है रेट जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं सर, मेरे को ऐसा वही अभी मैंने आपको बताया ना कि ऐसा कुछ भी नहीं, अगर एक्सपोर्ट भी चालू होता है तो ज्यादा तेजी का असर बिल्कुल भी ना सोचे, सिर्फ 900-950 नाम के लिए 1,000 रुपए तक जा सकता है बिल्कुल एकदम। अच्छा, कि हम सोचने लगे कि हाँ जी 1,100-1,200 रुपए जाएगा, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा बिल्कुल एकदम। अच्छा, हाँ जी, हल्का फुल्का तेजी का असर रहेगा और ज्यादा तेजी के असर में ना ही रहे व्यापारी भाई हो, चाहे वो किसान भाई हो, कोई भी अदर हो। अच्छा जी, हाँ जी। तो सर जी अगर इस समय अगर देखा जाए अपने पास जो दो गाड़ी लगी है जी, ये दोनों कहाँ की है जी? सर दोनों मेरे पे पूना बेल्ट के माल है सर। अच्छा, हाँ जी। एक गाड़ी जो लगी है मैंने वो 850 रुपए की बेची है, 1,800, बाकी 850 रुपए ज्यादा बेचा है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी दूसरी जो गाड़ी है उसमें गोली उल्टा है, उसमें 18 रुपए से लेके मैंने अपना 800-850 रुपए के माल बेचे है। अच्छा जी, तो सर जी ये 850 से जो 900 का रेट रहा है जी पर केजी की अगर बात करें तो क्या रेट रहेगा? सर 800 वाला 20 रुपए किलो जाता है, 900 वाला 22.5 रुपए किलो हो जाता है सर। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये 850 वाला? 850 वाला 1,225 रुपए किलो का पड़ता है सर। अच्छा, 21 रुपए तक का। अच्छा जी,
और सर जी अभी जो है सबसे ज्यादा मार्केट में प्रेशर किस जगह का है जी? हाँ सर, ज्यादातर माल तो देखिए गुजरात कर पुणे का ही आ रहा है, और आज भी गुजरात की है मंडी में 5-6 गाड़ियां हैं, पुणे की 2-3-4 गाड़ियां हैं जी, मतलब मिला जुला कर दोनों की दोनों 50-50 करीब हो रही है। अच्छा जी, हाँ जी, गुजरात और पुणे। गुजरात का जो काले माल है सर जी, हाँ जी, उसका क्या बाजार चल रहा है सर जी? सर गुजरात के ऐसे काले माल ही हमारे पड़ोस में लगे हैं, ये बता रहे हैं 17 रुपए, 16-17 रुपए का बता रहे, बाकी बिका नहीं है, काले माल हल्के माल ज्यादा है। अच्छा जी, जो बढ़िया माल है वो समझ लीजिए अपना 700-750 रुपए का जी। अच्छा जी, काले में ही? काले में जो बढ़िया क्वालिटी आ रही है सर। अच्छा जी, जो बढ़िया। और सर जी जो गुजरात का माइक्रो कलर है उसका क्या बाजार चल रहा है? सर गुजरात के माइक्रो कलर की बात किया तो गुजरात के माइक्रो कलर में भी छिलका पत्ती बहुत कमजोर हो चुका है। अच्छा। वो भी 700-750 रुपए, एक आधा लाट को ज्यादा एक्स्ट्रा सुपर ज्यादा जो पुणे को टक्कर दे रहा है वो 800 बिक गया तो बात अलग है। अच्छा जी, तो सर जी पिछले साल से जो क्वालिटी है प्याज का क्या हल्का और पिछले साल से भी ज्यादा है या फिर कैसा है? हाँ सर, पिछले साल के मुकाबले अगर देखा तो इस साल पूना के बैंड में तो खैर बहुत ही ज्यादा क्वालिटी में बहुत कमजोर पड़ गई है, छिलका पत्ती डंडे की बहुत शिकायतें हैं। अच्छा। पिछले साल इतना नहीं था जितना अब की बार में देखा जाए। अच्छा, बाकी अब की बार गुजरात की क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है, जो बढ़िया क्वालिटी के माल है वो बहुत अच्छे निकले हैं बिल्कुल एकदम। अच्छा जी, लेकिन सर ये जो पूना बेल्ट है जी उधर तो मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है, और इस बार तो बरसात वगैरह भी नहीं हुआ लेकिन ऐसा क्वालिटी हल्का पड़ने का क्या कारण? सर ये चीज तो मेरे ख्याल से ये बीच बीच में क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं, पूरे पूना बेल्ट के अंदर सारी क्वालिटियां बिल्कुल एकदम हल्की पड़ चुकी है बिल्कुल एकदम। अच्छा। अब जो गरवा क्वालिटी आएगी जैसे आज मेरे पे गाड़ी लगी थी थोड़ा सुधार अब धीरे धीरे क्वालिटी में आने लग रहा है। अच्छा, जो हमें दिखाई दे रहा है आने वाले 10-15 दिन के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी निकलने लग जाएंगी जिस हिसाब से माल अब हमारे पास में आ रहे हैं। अच्छा जी, और सर जी बात करें वहीं एमपी वाले प्याज का तो उसका क्या बाजार? सर एमपी वाले तो कोई माल नहीं आ रहे बिल्कुल भी एकदम, वो तो अपने अप्रैल में ही चलेंगे। अच्छा, मार्च अप्रैल में ही ज्यादा रनिंग चलेगी उनके, अभी तक कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है जी, और ना की भागे अभी कोई क्वालिटी है जी। अच्छा, हाँ जी। और सर जी जो राजस्थान से आ रहा जी? हाँ राजस्थान से आ रहा सर अपना कुछ आवन आ रहा है, वो अपना मेरे ख्याल से बिका 12-13 रुपए का माल बिके हैं। अच्छा, क्वालिटी में भी दम नहीं है, वो भी मतलब उनमें भी 10 दिन के बाद धूप निकलेगी तो 10 दिन के बाद वो भी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी जी। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। और सर जी अभी स्टॉक वाला माल जो है कब से स्टार्ट होगा जी? वो सर अप्रैल से चालू हो जाएगा ना सर, अप्रैल से रखना। अच्छा। जब गरवा प्याज निकलना चालू होगा तो जब अप्रैल से अपना स्टॉक वाले माल चालू हो जाएंगे सर। अच्छा जी, हाँ जी, रखना जाना स्टॉक में जाना चालू हो जाएगा। अच्छा, तो इस बार सर जी मतलब रकबा कैसा है पिछले साल से, फसल वगैरह कैसा? सर बढ़िया है सर, जो गरवा क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, जैसे हम अपनी पार्टी से बात करते हैं गरवा वाली क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई ऐसा कमी नहीं है प्याज की बिल्कुल एकदम। अच्छा, ठीक ठाक है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं कह सकते हम, मतलब और सालों की तरह तो रोग वगैरह तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, गरवा में कोई रोग नहीं है बिल्कुल भी एकदम। अच्छा जी, हाँ जी। तो सर जी अभी आपको क्या लगता है सर ये एक्सपोर्ट को लेकर के क्या लगता है, आपका विचार क्या था? सर मेरे को एक्सपोर्ट को लेकर भी भाई एक दो मेरे जो पीछे पार्टियां बड़ी बड़ी पार्टियां उनसे बातचीत हुई है, वो भी इनसे बात की ज्यादा हमें देखो आप भी देख रहे हो आमदनी अभी कम है, बिक्री में इतना भी ज्यादा खास तो है नहीं, जी जी। कहने लगा बहुत ज्यादा फास्ट है ऐसा कुछ नहीं है, हाँ थोड़ी सी चहल पहल है थोड़ी सुर्खी सी है बस 1-2 रुपए की बस बताते रहो जी, तो बाकी ये कि ज्यादा तेजी का भी अगर एक्सपोर्ट खुलता भी है हाँ। अगर नोटिसन मिल जाता है तो उसके बाद में भी 1-2 रुपए का सुधार समझे, ज्यादा तेजी का भी आसार नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल हमें। अच्छा जी, हाँ जी, मतलब धीरे धीरे जो माहौल बनेगा धीरे जो माल की स्पीड जो स्लो थी वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी बस, 1-2 रुपए सुधार होगा बस। अच्छा, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सर। अच्छा, एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। हाँ, केशवपुर सब्जी मंडी जय सिंहदेव ट्रेडर्स मेरी फार्म बबलू 97-18-35-0524 दुकान नंबर 31। धन्यवाद जी।